हेलो एवरीवन सभी को नमस्कार सभी को सत्यकाल सभी को वादा और सभी को जय हिंद कैसे हैं आप लोग तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं निपुन देन वी हैव सुधाकर इट्स कुकू यानी कि हमारे विनय भैया देन वी हैव अभिषेक सैनी निस्नेहा अनिल जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज क्या रहेगा खास आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के वो सभी क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में आ चुके हैं प्लस वो सभी क्वेश्चन जो कि आने की संभावनाएं है रखते हैं कैसे हैं वो क्वेश्चंस? आइए सर जरा चर्चा करेंगे उस पर। तो सबसे पहले तो वेलकम टू टूटी जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी करंट मैगजीन सब कुछ और हाँ मुझसे कुछ पूछना है, या डाउट रखने है अपने के इसका दे दो तो उसके लिए भी मैं यहां पर तैयार हूं आप बस यहां पर अपने डाउट टूटअप करिए जिसका कोई चार्ज नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट चीज और हाँ जितने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ होमवर्क क्वेश्चन पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हम लोग आते होमवर्क क्वेश्चन पे होमवर्क क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था सीटी स्कैन किसके द्वारा किया जाता है नाउ सर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन जो हम लोगों ने सबसे पहले सिक्स क्लास में पढ़ा था याद आ रहा है ये सीक्वेंस ऑर्डर याद करना जरूरी है बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्पजेस अब यहां पे देखिए यहां पर हम लोग अगर जाते हैं जी एक्स यू वी आई एम आर के पास तो so यहां पर एक्स रे यहां पर फिर आपका अल्ट्रावायलेट आ गया विजिबल इंफ्रा रेड माइक्रोवेव और रेडियो वेवस इनमें से आप लोगों से अगर कोई गए सिनिंग सीटी स्कैनिंग तो किसके लिए करी जा रही है मान लीजिए मेरे ब्रेन में कुछ इश्यू है राइट अब मुझे पता लगा ना कि एक्जेक्टली exactly वो क्या इश्यू था तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे करके एक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग अंदर की तरफ गए वहां पर से स्कैनिंग हुई और पता लगाया कि ये ये पडल इश्यूज थे आपके इस ब्रेन वाले पार्ट में तो यहां पे किसी रेस का तो इस्तेमाल किया जाता होगा तो यहां पे जिस रे का इस्तेमाल किया जाता है सर वो है एक्सरे अब एक्सरे का आंसर तो आप लोगों ने दे दिया आप लोगों के आंसर्स भी देख लेते हैं एक बार तो सबसे पहले नेहा फिर शिवानशु प्रणय शिवम पवन नीलम शक्तिमान प्रियांशु अमित राजेंद्र जितेंद्र देन वी दैनविह कुशवाह उसके बाद विवेक अभिषेक राहुल अमित दोनों के दोनों अमित उसके बाद मक्का देन वी हैव रमन उसके बाद आ, त्रिनाथ सचिन अभी पटेल एक एक बच्चा जो हमारे डी के साथ जा रहे थे वो सबके साथ बिल्कुल सही थे अब सर यहाँ पे खोज किसने की है तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ लेता है कि, कि किसी भी चीज़ डिस्कवरी इन्वेंशन किसने की है तो अगर यहां पर हम लोग बोलेंगे, तो इस वाले पार्ट पर प्लीज पर प्लीज़ याद रखिएगा। जो खोज की गई थी वो कौन थे, थे, तो थे तो right? so, चलिए अच्छा ऐसा है क्या ठीक है स्नेहा जैसा आप कहें नहीं बोलेंगे अब बढ़ते हैं आगे तो जितने भी लोग बी के साथ बिल्कुल सही थे अब सर यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तो पहला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न है किसी वस्तु को ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गिरने पर एक समान रहता है डेट मीन जिसमें कोई चेंज नहीं आता सो अविरल मयंक मीना क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल सो अरे अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद सो so, यहां पे सर मेरा क्वेश्चन है ये ये बॉटल है अब मैंने क्या किया ठीक है अवनीश मैं ब्लैक ले लेता हूं ठीक है यहाँ ब्लू कर लेता हूं थोड़ा बेटर होगा सो डार्क कलर में चलते हैं अब आइए मैंने सर यहां पर एक हाइट से इस बॉटल को गिराया बॉटल नीचे गिर गई हाथ तो टूटने से बच भी गई चलो चटक गई होती वापस आते हैं सो so, गाइस जब बॉटल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया तो आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या चेंजेस आए होंगे सो so, बॉटल जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरी होगी तो सबसे पहले तो सर इसमें वेलोसिटी में चेंज आया होगा यानी यहां पर मैं बोलूंगा वेलोसिटी में कुछ तो परिवर्तन आया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर बोलूं तो इस वाले केस पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी डेट वाज जीरो फाइनल वेलोसिटी की बात करूंगा तो इसमें कुछ तो वैल्यू हाई होगी एक्स मान लेता हूं एक्स मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल डेट मींस के बॉटल को जब ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो तो यहां पर सर कुछ तो चेंज आएगा एंड वी आर श्योर अब सर यहां पर आप लोगों के लिए एक चीज लिखता हूं मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताइए सर वेग के परिवर्तन दर को आप क्या बोलेंगे गाइस जो लोग बी के साथ जा रहे हैं उन सबके भी पिट्टू होने वाली है हो, बहुत तगड़ी वाली पिट्टू करूंगा कैमरे में से निकल के एक इधर से पिट्टू एक उधर से पिट्टू अभी देखो जो लोग बी के साथ जा रहे हैं सबकी पिट्टू होगी सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है बेटू ये चीज़ आपकी एक्सेलरेशन कहलाती है हिंदी वाले सर इसको तुरंण के नाम से जानते हैं राइट अब सुनो सब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी कल ही मैंने इसके बारे में आपको बताया है अब एक बात बताओ सब मास पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा जो मास होता है भाई साहब चाहे कुछ हो जाए धरती फट जाए आसमान नीचे आ जाए धरती ऊपर चली जाए कुछ भी हो जाए जादू टोना बाबू टोना कुछ भी कर लो सर आपका मास में कभी चेंज नहीं आता मास ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट नंबर वन दूसरी चीज जो हमारी वेलोसिटी है भाई साहब ये वेलोसिटी में अभी हमने देखा कि यहां पर सर कुछ चेंज हो रहा था अब जब इस वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या चाचा हमारे मोमेंटम में चेंज नहीं होगा क्या हमारे सर यहाँ पे संवेग में जस्ट अ जैसे क्या मेरे संवेग में परिवर्तन नहीं आएगा बिल्कुल आएगा सर यानी मेरा सर यहाँ पे जो मोमेंटम है वो तो बदलेगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है आपके सामने उदाहरण है दूसरे पे चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं अभी देखते हैं स्नेहा भी देखता हूँ मैं से अब आते हैं कांटेक एनर्जी पर ये जो काइंटक एनर्जी चाची हैं अब काइंटक एनर्जी चाची के बारे में समझते हैं सर जो गतिज ऊर्जा है इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्र अब सर मास जैसा कि मैंने बोला कुछ भी हो जाए एक्स वाई जेड मास में चेंज नहीं आएगा पर भाई साहब वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है यानी कि जो उसकी पोटें जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये भी बदलेगी यानी कि सर यहाँ पे जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो तो सर बदलेगा तीसरे पे आ जाओ शिवम कह रहे हैं सर डी आंसर होगा मैं बता रहा हूँ जो डी वाले हैं उनकी और तेज पे टू होगी क्यों होगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम इंटू जी इंटू एच ठीक है सर आ जाओ जो डी वाले हैं मुझे एक बात बताओ ये मास है इसका बॉटल का कुछ मास होगा एम एम मास है नीचे जब छोड़ूंगा तो सर नीचे जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां पे हम लोग जी की बात करें उसकी वैल्यू फिक्स है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब सर यहां पे जो चेंज आ रहा है क्या इसके हाइट में चेंज नहीं आ रहा इसको टोटल अगर मैं एच मान लूँ तो जैसे जैसे बॉटल नीचे आती जाएगी क्या उसकी हाइट में चेंज नहीं आएगा अब चाचा जब यहां पर हाइट में चेंज आएगा तो गाइस ऑब्वियस यही बात है पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा च मींस द ओनली पार्ट विच इज लेफ्ट इज एक्सेन बिकॉज अगर मैं एक्सेरेशन की बात करूं इट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं तो यहां पर वैलोसिटी में चेंज आ रहा है बट एक्सलेशन इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट राइट सो अब सर एक्सेशन डू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वेर इट इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल दी पॉइंट एंड दिस वॉज द्वेश्चन इसमें से यूनिफॉर्म क्या होगा सो so यूनिफॉर्म जो रहेगा सर वो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर आपका ए होगा क्या ये बात समझ में आएगी सब लोगों को सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से मैंने और भी क्वेश्चन रखे हैं जैसे आज आप जहां पर भी अटकते हैं ना पेपर में यहां पे सब्जेक्ट अटका अटका के आपको ठीक कर दूंगा कैसे हो जाएगा मुझे बताओ विनय हाउ हाउ इट इज गोइंग टू चेंज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज एक्सेलरेशन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अब यहां पे जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मैं यहां पे जी से लिंक करके देखता हूं राइट स्मॉल जी से लिंक करके देखो अपने आप आंसर आ जाएगा तो विनय आई गेस इट इज क्लियर बिल्कुल सही कहा आपने अविरल एब्सोल्युटली करेक्ट तो मेरा जो आंसर होगा सर दैट इज ए पेपर यहां पे ऐसे घुमाएगा ये ऐसे सीजे का नया ट्रेंड है जहां पे सर वो जो हलुआ सवाल होते थे ना वो अब नहीं आते हैं कुल मिला इस के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ये तो सॉर्टेड हुआ अब आ जाओ यहां पे इसकी मेरे पास ऑसम सी ट्रिक है गाइस वो ट्रिक मैं तभी बताऊंगा पहले आप इसका आंसर दो देखते हैं अगर आपने यहां पे छह बच्चों ने भी आंसर सही दिया तो मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे चलो सर यहां पे बिल्कुल स्नेहा एब्सोल्यूटली करेक्ट सो क्वेश्चन इज इफ अब्जेक्ट इज प्लेस ऑन फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इट्स इमेजेस डैश यदि किसी वस्तु को उत्तर लेंस के फोकस पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा तो इसका देखते हैं क्या आंसर होगा यस क्योंकि फ्री फॉल बॉडी है राइट डेट सो इसका आंसर फटाफट से देंगे क्या होना चाहिए आंसर <laughs> जल्दी प्लीज गाइस क्या होना चाहिए आपका आंसर इसका मतलब यहां पे किसी को नहीं आ रहा ये वाला पार्ट अब मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा अच्छा अर्पिता का आ चुका है अर्पिता ने बोला कि सर ये फोकस पे ही होगा ऑन दी सेम साइड ठीक है Uh, अविरल जा रहे हैं बी के साथ के एट दी फोकस ऑन दी अपोजिट साइड ठीक है वर्षा हमारी डी के साथ गई हैं माइग्रेशन टाइम डी के साथ हैं विनय बी के साथ हैं नैनी बी के साथ हैं तो ए बी ए बी ए बी सरोज डी के साथ है निशा डी के साथ है वैष्णवी डी के साथ है गाइस चलो हमारे छह बच्चों के आंसर सही आ चुके हैं अब यहां पे मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं तो यहां पे आंसर तो है इन्फिनी पर मैं याद कैसे रखूंगा गाइस ये तो बहुत खतरनाक सा है सर कितना याद रखूं वसीम बाबा बी आंसर नहीं है आंसर यहां पर इन्फिनी है आप सुनो याद कैसे रखना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ तो गाइज कितने लोगों को ट्रिक सुननी है ये अगर आपको ट्रिक सुननी है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज ले लूँ सर गया हमारा न्यूज लाइट चलिए और ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है कॉन्वैक्स लेंस की बात हो रही है सर ये वो लेंस होता है जो हमारा कन्वर्जिंग होता है हमको पता है ना ये वाली चीज़ ये एग्जाम का पूछा हुआ है कॉन्वैक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है आज तक जो आपने बचपन से पढ़ा था वो रटने वाली चीज यहां पे है हाँ ही नहीं अब सुनो यहां पे सर एक सीधी लाइन खींच दो चलो क्यों ही चला चल रहा अब यहां पे सर ये जो प्रेजेंट है ऑप्टिकल सेंटर राइट अब इधर सर एफ इधर आपका टू एफ सिमिलरली अब इस वाले पार्ट पर जाते हैं एफ और टू एफ सो वॉट इज ए ट्रिक लेट्स गो So, अपूर्व और वैष्णवी कमलेश यहां पर देखिए आपको करना क्या है एक सीक्वेंस ऑर्डर में चलना है आपको नंबर्स लिखने हैं सो वा दो नंबर्स नंबर्स आप लिखेंगे ऐसे वन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इंफिनिटी में एक बार ध्यान सुनो वसीम पहले मैं आपको कंप्लीट कर दूँ स्टेटमेंट तब जाऊंगा ये हो गया टू ये है थ्री ये नंबर है फोर ये नंबर है फाइव और ये नंबर है सिक्स अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये वाली चीज़ यहाँ पर आपका जो पार्ट प्रेजेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सो so, जो नंबर्स आपके ब्लू कलर में है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट की लोकेशन यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है सो ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे यहां पे नंबर्स लिख दो पर नंबर फाइव सिक्स डेट सेट नाउ गौतम बाबा हम लोग आगे बढ़ते हैं लाल पेन ले लेते ले हैं थोड़ा अब यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे सेम चीज यहां पर अब यहां पर क्या करना है आप यहां से बढ़िया आगे वन टू थ्री फोर फाइव इतना हो गया और इसके बाद आप चाहेंगे यहां पे टू एफ के पास सिक्स अब देखिए ये जो मैंने रेड कलर से मेंशन कर रखा है वाटर दे तो रेड कलर से जो मैंने ये मेंशन कर रखा है सर दीज आर दी पोजीशन ऑफ इमेजेस यानी हमारा जो इमेज बन रही है उन इमेजेस की ये पोजीशन है अभी भी मेरी बात खत्म नहीं हुई मैं इतने में खत्म नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग जो रटते रहते हैं ना सर डायग्राम बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे पेपर में इतना टाइम नहीं है हमारे पास तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं जो भी आप मिरर देख रहे हैं सॉरी जो आप लेंस देख रहे हैं लेंस के राइट right साइड में जो भी सर आपकी इमेजेस बनेंगी तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए आपको बताएंगे कोई भी चीज आपकी रियल है या वर्चुअल है तो राइट right साइड में ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं ये आपकी होती है रियल एक सेकंड में कलर चेंज कर लू जरा यस yes. तो राइट right साइड में जितनी भी चीजें हैं ये जितने भी इमेजेस हैं ये सारी की सारी रियल होंगी अगर ये ऊपर बनती हैं तो हम लोग कहते हैं सर ये अपराइट है और नीचे जो बनती हैं सर हम लोग कहते हैं जो इमेजेस हैं ये कैसी होंगी इनवर्टेड uh, तो एग्जाम ऐसे पूछ लेता है कि यहां पे अगर फोकस पे रखा है तो इमेज मेमोरी कैसी बनेगी तो यू मस्ट नो अबाउट क्वालिटी एज वेल सो द्वालिटी अगर आपकी इमेज मान लो कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है आपका इन्फिनिटी पर तो आपका इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहां बनेगी सर एट एफ इट्स वेरी सिंपल एज दैट राइट बेटा स्नेहा वो तो समझ गया ये तो मैंने इतना बता दिया अब यहां पर रियल इन्वर्टेड कैसे होगा वो भी तो पता होना चाहिए अब यहां पर इतना पार्ट हुआ अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस लोकेशन पे रखा है बिटवीन ओ एंड एफ तो डेट मीन्स कि आपका जो इमेज है सर इसकी क्वालिटी मुझे बताएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक बार आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है सिक्स लोकेशन पर फटाफट से सो बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर माई क्वेश्चन इज अगर मेरा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर तो यहां पे सर आप मुझे बताएंगे इमेज कहां होगी पहला पॉइंट और दूसरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे क्या मुझे बता सकते हैं अब देखिए सर यहां पे नीचे सब के सब इन्वर्टेड थी लेकिन यहां क्या है ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है डेट इज अपराइट तो यहां पे जो इमेज होगी डेट वुड बी अपराइट सीधी होगी यानी इरेक्ट होगी दूसरा सर राइट साइड में रियल थी यानी कि पीछे की साइड है तो ये क्या होगा इट वुड इट वुड बी वर्चुअल तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग गलती मत कर देना बिल्कुल सही कहा आपने मयंक और यहाँ पे साथ में इमेज बड़ी भी होगी तो डैट मीन्स आप पोजिशन के लिए आ जाते तो पोजिशन में क्या पूछा था पोजिशन में पूछ रहे थे भाई साहब कि अगर आपने फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी आइए सर फोकस पे देखते हैं तो सर अकॉर्डिंग टू आर ट्रिक फोकस यही है डैट मीन्स हम लोग इसकी बात कर रहे हैं पांच नंबर यानी कि सर पांचवें नंबर पर जो अपना ऑब्जेक्ट रखा था इसकी इमेज कहाँ बनेगी इसकी इमेज बन रही है यहाँ ट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटी विच गिव आंसर के गाइज यहां पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है एफ पर तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी इंफिनिटी पर और इसकी कैरेक्टरस्टिक कैसी होगी कैरेक्टर से पेपर में पूछी नहीं है लेकिन पूछी जा सकती है एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक विल बी इट विल बी रियल इट वुलड बी इन्वर्टेड राइट सो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा इज डेट क्लियर एवरी वन ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो आप लोगों के लिए ना ये सब ट्रिक बताना बहुत जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे इस वाले केस में यहाँ तो क्वेश्चन छोड़ देंगे या फिर वो पुराना पेन पेपर का मेथड लगाएंगे सर उतना नहीं लगाना है हमको सीधे वन टू थ्री सीगे पर छः तक लिख लो और यहाँ पे एफ से स्टार्ट करो बस डेड सेट और हमारा काम खत्म सो हेलो मामी गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप गाइस सबको समझ में आ गया तो सर हम सब कोका कोला स्प्राइट ये सब बीच बीच में देते रहा करो एनर्जी बढ़ जाती है चलो सर ये हमारा सॉर्टेड हुआ सो दैट मीन्स कि हमारा अगर सर ये फोकस पे रखा है तो इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी हमारा सॉर्टेड है नेक्स्ट सबके लिए सेम होता है वैलिड उसके लिए भी right? अगला अगला ये। <coughs> ये so, के के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है देखते हैं इसका आंसर क्या होगा गाइस सो यस वो सेम ही चीज काम करती है बेटा डोंट वरी सो अब यहां पे हो फटाफट इसका आंसर दो क्या होना चाहिए मैं भी है मम्मी सो बन टू कॉनकेव यस 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 सो क्वेश्चन है उत्तर लेंस के अपर्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सो इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ अब देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हमेशा अपना दिमाग लगाओ और लेट्स हैव अ क्लैरिटी सर या तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा या फिर सर वो उससे इंडिपेंडेंट होगा तो यहां पर अगर देखा जाए तो इनमें से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है तो इस वाले केस में आप लोग प्लीज याद रखिएगा अगर मैं अपर्चर की बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से इसका कोई ऐसा संबंध नहीं है यानी कि मैं सीधे कहूंगा इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉट डिपेंडेंट तो वर्षा बिल्कुल सही है आप तो जितने भी लोग सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है सरोज वर्षा गौतम जहां पर ना तो सिगरेट हो बिल्कुल सही अगला प्रश्न सर जब पानी को जीरो से चार डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको मैं ग्राफ से समझाऊंगा सो so, साधु पूछ रहे हैं सर नहीं बेटा बेटा एस एस का फॉर्म भरने के लिए साधु हम लोगों को ना या तो डिप्लोमा वाले होने चाहिए हम लोग या फिर आ, बी टेक वाले चलिए सर अब यहाँ पे ग्राफ याद दिला देता हूँ मैं आप लोगों को आप लोग अगर भूल गए हो तो गुरु जब डेंसिटी के ग्राफ की बात होती थी तो हम लोगों को ऐसा कुछ ग्राफ याद आ रहा है क्या होता था सर ये डेंसिटी और डेंसिटी इधर बना देते हैं यानी घनत्व और इधर बना लेते हैं गाइस टेम्परेचर ठीक है बेटू अब होगा क्या जैसे जैसे आप टेम्परेचर में आगे बढ़ेंगे तो यहां पे एग्जैक्टली बता देता हूं पानी की भाई साहब खास बात ही यही है एनिमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कि पानी का जो सबसे ज्यादा घनत्व होता है वो चार डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है राइट अब सर हमसे कह रहा है जब आप जीरो से चार डिग्री पे जाएंगे तो पानी के घनत्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आइए सर देख लेते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं सर चार डिग्री पे चलते दो चलो भाई साहब ट्रेन चला दो अपनी अब यहां पे मुझे साफ साफ क्लैरिटी मिल रही है सर कि अगर मैं जीरो से चार की तरफ जाऊंगा तो मेरा सा जो डेंसिटी डेट इज गोइंग टू इंक्रीज यानी क्या होगा ये बढ़ेगी तो जो लोग कह रहे हैं ना पहले बढ़ेगी फिर घटेगी कैसे बढ़ेगी घटेगी भाई साहब चार डिग्री यही तो है और हमसे सर जीरो से फोर का पूछ रहा था यानी कि जब मैं जीरो से फोर की तरफ जा रहा हूं तो ये इंक्रीज करती हुई जा रही है विच मीन्स वॉट दैट मीन्स कि यहां पर जितने भी लोग कह रहे हैं केवल और केवल इंक्रीज करेगी वही सही है अब आप कहेंगे सर पानी गर्म कर लो ठंडा कर लो कुल मिला के आपको ये बताना पड़ेगा गौतम कुमार कि हमारा जो टेम्परेचर है वो किस लेवल तक पहुंच रहा है क्योंकि अब अगर गर्म करने पर आप लोग कहेंगे सर चार डिग्री से ज्यादा हो रहा है तो मैं कहूंगा कि जीरो से बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा चार डिग्री तक बढ़ गया चार डिग्री बाद फिर दोबारा घट जाएगा राइट सो मैकेनिकल वाले तो इसको गलत कर ही नहीं सकते है ना प्रशांत तो so, मैकेनिकल वालों के लिए यही फिक्स शीतलेश पूछ रहे हैं सर एस एस सी जे में साइंस के कितने क्वेश्चन रहते हैं अप्रॉक्स तो बेटा यहाँ पर ना हर साल कुछ ना कुछ ट्रेंड में चेंज आता है जैसे इस बार दस से ग्यारह क्वेश्चन थे सर उससे पीछे जाओ तो वहां पर पंद्रह क्वेश्चन थे उससे पीछे चले गए तो चौदह क्वेश्चन थे उससे पीछे चले गए सत्रह क्वेश्चन थे यानी कि सर वेरी करता रहता है बट अभी के लिए आप मान के चलना कि दस से बारह क्वेश्चन ऑन एवरेज आएंगे ही आएंगे राइट चलो सर ये भी हो गया हमारा पार्ट डन तो डेंसिटी वाला पार्ट हमारा सही है अब बढ़ेंगे आगे अगला प्रश्न ये शुक्र ग्रह का वातावरण घने और पीले बादलों से बना हुआ है किस चीज के सो दटमोस्फियर ऑफ प्लेनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड ये क्लाउड्स ऑफ डैश इसका आंसर क्या होगा सो so बिजली विभाग अच्छा गौतम हमारे बिजली विभाग से ठीक है सो so गौतम बाबा मैकेनिकल ट्रिक्स कमलेश रिंकी मयंक अमित प्रशांत फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा सो टॉक अबाउट द प्लेनेट वीनस सो पे सर ये जो थिक और येलो कलर के कोई तो चीज मौजूद है ये क्या है क्लोरीन है सल्फ्यूरिक एसिड है वट इज इट सो आपको हिंट देता हूं सर ये है अम्लो का राजा किंग ऑफ ऑल द एसिड्स सो दट इज इट एसेट्स का किंग कौन है सो सर प्रीवियस ईयर का लेना सरोज मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हैं सेट में अभी क्या है ना शायद हम लोग मंडे से कमिंग मंडे से उस स्टैंड पे वापस जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ना पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के सेट ही लेके आऊंगा बट उससे पहले ना हम लोग थोड़े से हाई लेवल पर चल लेते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में ना थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं वहाँ पर ना आप सी और सी के कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं तो हम लोग थोड़ा सा पहले हाई लेवल पर चल लेते हैं जैसे जब पी वाई पे जाओगे ना तो यू विल भी लाइक कि भाई साहब ये सब चीज़ हमें आ गई हैं चलो सो अब याद रखना

इसके बारे में जरा समझते हैं ये क्या होगा प्रश्न है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द दर्थ सर्फेस मास रेडियस मास 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 एंड रेडियस 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 बोथ या ना तो मास, अच्छा, मास और रेडियस, या तो अच्छा इट्स और इसका आंसर क्या होगा अब देखो अगेन है बहुत सिंपल अब सर जरा सोचो कि जो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूं ये है क्या सर ये वही है जो पहले सवाल में मैंने दिखाई थी ये देखो बॉटल यहां पे रखी है बॉटल पर छोड़ा नीचे गई क्यों गई क्योंकि सर इसे अर्थ ने अपनी तरफ खींचा जब धरती से अपनी तरफ खींच रही थी तो ये जब नीचे की तरफ गई तो इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया उस वेलोसिटी की जो चेंज की जो चेंज होने की दर थी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाज एंड हियर वाज कांस्टेंट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सो so बेसिकली अब ये जो जी की वैल्यू किस पर निर्भर कर रही है तो देखिए स्मॉल जी आप कैसे निकालते हैं स्मॉल जी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मुला यूज करते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर कुछ याद आ रहा है गाइज यहां पर जो एम था डेट वॉज वॉट सर यहां पे मैं जिस भी चीज की बात कर रहा हूं जैसे G क्या होता है गुरु जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू भी एग्जाम में पूछ लेता है तो यहां पर सर अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू कितनी होती है ये भी पेपर की पूछी हुई है बेटा तो 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन टू टेन टू दी पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर वेरी स्क्टेंट एग्जाम का पूछा हुआ है अब सर यहां पर फॉर्मुला देखो तो फॉर्मुला मुझे साफ दिख रहा है कि ये सर जो जी है ये मास पर भी डिपेंडेंट है और रेडियस पर भी डिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि बोथ मास एंड रेडियस दोनों ही सही उत्तर होंगे क्या यह भावना समझ में आएगा इस अगर ये समझ में आ गया तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न और पूछ लेता हूं मेरा प्रश्न ये है ये जो कैपिटल जी है इसकी सर डायमेंशन कौन बताएगा मुझे जल्दी से प्लीज़ क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है और सर आपके आने के पूरे पूरे चांसेस भी हैं सो बहुत बढ़िया मामी एकदम ठीक वन टू बिल्कुल ठीक मुझे बस इसका डायमेंशन जो हिंदी वाले हैं सर इसकी विमा बता दो मेरा काम खत्म चलिए फटाफट से इसकी डायमेंशन क्या है कैपिटल जी की सो आइसक्रीम पिघल रही है थैंक यू अमित फॉर द आइसक्रीम अब देखिए बेटा डायमेंशन कितनों को निकालनी नहीं आती एक बार मुझे बता दो वरना अगर सबको आती है तो सुपर फास्ट फूड में इसके बारे में बता देता हूँ देखिए गुरुदेव ये जो मैं डायमेंशन की बात करता हूँ डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे सर पता होनी चाहिए यूनिट तो कैपिटल जी की जो यूनिट है सर वो है मेरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर माइनस टू इतने में तो कोई डाउट नहीं है गई अच्छा कोई बात नहीं गौतम अब पिट्टू करेंगे सब टाइपिंग हो जाएगी अब सर यहाँ पे देखो न्यूटन का मतलब क्या हुआ न्यूटन का मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ठीक है गाइस नेक्स्ट इसके आगे सर मीटर लिखा है यानी मीटर की बात करें तो लेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पे अगेन मीटर स्क्वायर कर दो इसके बाद सर यहाँ पे केजी लिखा है तो यहाँ पे सर केजी हो गया सर केजी जी माइनस टू था सॉरी तो यहाँ पे सर ये माइनस टू हो गया इतने में तो कोई डाउट ही नहीं है अब इतने में अगर हो गया तो वन टू कोई बात नहीं अब यहां पर देखो तो के जी और ये के जी तो क्या बन गया ये बन गया के जी माइनस वन मीटर क्यूब और यहां पे सेकंड माइनस टू इतने में कोई डाउट तो नहीं है गाइस अगर इतना सॉर्टेड है मेरा तो बेटा केजी क्या होता है केजी तो मास होता है जब मास होता है तो गुरुदेव पेन का कलर चेंज कर लो मास होता है तो एम की पावर माइनस वन हो गया मीटर क्या है सब मीटर तो लेंथ होता है क्यों काबरा बिल्कुल जतिन सो so, यहाँ पे ये क्या हो गया एल क्यूब हो गया और अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड तो हमारा टाइम होता है दैट मींस ये हो गया मेरा टी की पावर माइनस टू तो यहाँ पे आंसर क्या होगा एम की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस टू सो दिस इज एक्चुअली द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी सो गाइज इज इट ओके तो पेपर में आपसे कैसा भी सवाल पूछ ले तो मैं जान मुझे पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहा हूं कि पेपर में कुछ भी चीज नई नहीं, नहीं देखने को मिलेगी सब कुछ आप यहीं पे देख लो क्वेश्चन दिखाऊंगा भी कि सर देखो हमने वाई पे करा था ये आपके सामने है तो गाइज इतना हमारा डन है और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जैसे आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें चलो गाइज तो ये भी हमारा सॉर्टेड है मामला आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से एंजाइमों का कौन सा जोड़ा अम्लीय पीएच पर काम नहीं करता अब देखो इस क्वेश्चन में आप थोड़ी सी बायोलॉजी की बात कर लेते हैं बायोलॉजी का जब भी प्रश्न आता है हम आ जाते हैं टेंशन में तो गाइस टेंशन में बताना मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा पहले आप आंसर देने की कोशिश करो इसका आंसर क्या होना चाहिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क विद एसिडिक पी तो जब तक आप आंसर दे रहे हो मैं एंजाइम का मतलब समझा दू आप लोग प्लीज आंसर देते जाना एंजाइम क्या होते हैं भाई साहब एंजाइम एंजाइम सर ये वो केमिकल्स हैं ये वो रसायन है जो मेरे शरीर में मौजूद मेरे खाने को पचाने में मदद कर रहे हैं दैट मीन्स कि मेरे फूड के डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं वो ये एनजाइंसी होते हैं ओके okay. अब जब मैं खाना खाता हूँ तो सबसे पहले मेरे मुंह में लार मौजूद है जैसे क्या होता है जो मेरे मुंह में लार मौजूद है ये क्या करेगी मेरे भोजन में से स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट वाले भाग का पाचन करेगी तो वर्षा सबसे पहले सी के साथ है कोई बात नहीं अविरल अभी आ जाएगा आपको डोंट वरी वर्षा सी के साथ है निशा डी के साथ जा रही हैं स्नेहा सी के साथ हैं जतिन हमारे सी के साथ हैं ओके मयंक सी के साथ जा रहे हैं ओके सो so गाइस अब सुनो तो सबसे पहले हमसे कह रहा था कि एसिडिक पीएच के साथ काम नहीं करता तो यहां पे सर ट्रिप्सिन और एमाइलेज को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं यहां पे सर आते हैं पेप्सिन गाइस पेप्सिन कहां मौजूद है जानते हो देखो पेप्सिन मौजूद होता है सर इसको पेप्सी से याद कर लो बेटा पेप्सी पीते हैं तो कहां जाती है सर सिंपल सी बात क्या पूछ रहे हो पैप्सी पियेंगे तो पेट में तो जाएगी यस तो ये तरीका याद करने का कि पैप्सी से याद कर लो पेप्सिन पेप्सिन ये वो एंजाइम है जो मेरे पेट में मौजूद है और ये पी से पेप्सिन और पी से ही होता है प्रोटीन तो पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन का पाचन करता है अब सोचो मेरे पेट में मौजूद है सर मेरे पेट में जब ये प्रेजेंट है तो मेरे पेट के अंदर एक एसिड मौजूद है जिसका नाम है एस सी एल एस सी एल बड़ा खतरनाक होता है जिसकी पी एच वैल्यू वन पॉइंट एट से टू के बीच में लाई करती है दैट मीन्स कि सर जो पेप्सिन है ये तो सर एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है और जबकि पेपर में क्या पूछा था अमित बाबा पेपर में पूछा था ऐसा कौन सा एंजाइम है जो एसिडिक पीएच के साथ काम नहीं करेगा सो so, पेप्सी मतलब कोका कोला है वन टू सुधर जाओ सो गाइस पेप्सिन से याद हो गया मुझे यहाँ पर क्या पेप्सी क्या मेरी सर एक काम कर रहा है कहाँ पर पेप्सिन प्रोटीन को पाचन करेगा मेरे पेट में जो कि एक्चुअली एसिडिक है वन पॉइंट एट से टू के बीच में पीएच वैल्यू है सो so, अब सर पेप्सिन पेप्सिन और पेप्सिन तो पेप्सिन तो आंसर हो नहीं सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता क्या बचा गाइस द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज योर ट्रिप्सिन एंड यज सो दीज आर दी एनजा विच डू नॉट वर्क विद दी एसिडिक पी एच तो आप लोगों को ना इस तरीके से आप लोग लिंक करना है ठीक है स्वमित सरोज वर्षा इतनी क्लियर हुई तो गाइस चलो इतना हमको मामला सॉर्टेड हुआ तो मेरा जो आंसर है वो क्या होगा ट्रिप्सन और एम आई एज तो वर्षा और जितने लोग सी वाले थे तो उन सभी के लिए जहां पर ना तो सीगरेट हो परफेक्ट अगला प्रश्न सो so, सर ये भी हो गया हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं जरा तो ये तो ही गया चलो सर आ जाओ यहाँ पर सर यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ डैश तो यूरिया का जो उत्पादन है वो कैसे होता है अब क्या आप लोग जानते हैं अस्नेहा अच्छा विनय आंसर सही तो दे रहे हैं कि पेट में सर एसीएल होता है चलो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि यूरिया का सर प्रोडक्शन कैसे होता है आप जानते हैं सर हम लोगों की बॉडी से जो निकलता है वेस्ट वो क्या है यूरिन है इस यूरिन के अंदर यूरिया भी है यूरिक एसिड है ढेर सारा पानी है ऑब्वियसली तभी तो हम लोग बात करते हैं कि यूरिन नाम कहाँ से आया वो यहीं से नाम आया है अभी यूरिया का निर्माण कहाँ से होता होगा तो कैसे होता होगा अब क्या हुआ सर मैंने खाया क्या खाएं क्या खाएं आज क्या खा लें बताओ चलो एक काम करते हैं आज हम खा लेते हैं अंडे एक एक्करी खा लेते हैं ठीक है गाइस अब अगर हमने एक् करी खाई तो अंडे की जो ऊपर वाली लेयर होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अंदर का ये पीला वाला भाग येलो वाला पार्ट यॉक इसमें सर फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है बट इस अंडे के अगर मैं बाहर वाली लेयर की बात करूं जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है सर ये यहां पर मौजूद है एल्ब्यूमिन विच इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन तो जो बाहर वाली लेयर है सर यहां पर आपको प्रोटीन मिलता है अब क्या हुआ मैंने जब यहाँ अंडे खाए अब ऐसा तो नहीं कि अंडे खाने से पूरा का पूरा अंडा पच जाएगा इस अंडे में से सर जो प्रोटीन वाला पार्ट है जब उसका सर अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उस प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा इस प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से हमारे शरीर में सर यूरिया का उत्पादन होगा और यूरिया जो है सर ये वेस्ट है मेरे लिए समस्या खड़ी करेगा तो इस यूरिया को बॉडी से निकालना भी जरूरी है जो कि यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाएगी नाउ डेट इज सी ओ एन एस टू का होल्ड टॉइस बिल्कुल सही रोहित अब सर कोई नहीं स्नेहा धीरे धीरे करके आप लिंक कर लेंगे सो so, यूरिया का जो प्रोडक्शन होता है डेट इज डन बाई द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बट अब यहां पर सर जो मैंने आपको बताया कि यूरिया का प्रोडक्शन तो हो गया अब यूरिया है मेरे लिए वेस्ट अब यहाँ पे अगर मैं वेस्ट की बात करूँ अच्छा जो लोग कह रहे हैं अंडा नहीं खाऊंगा तो उनके लिए मैं बता देता हूँ एक्चुअली मैं भी नहीं खा रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं सोयाबीन का या पे दाल का तो दाल और सोयाबीन एक्चुअली गुड सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के ठीक है गाइस अब वापस आ जाओ सो मैंने बोला मेरी बॉडी से जब यूरिया निकलेगा तो कैसे निकलेगा यूरिन के फॉर्म में तो मेरी जो यूरिन का कलर होता है ये येलो किसके कारण होता है गाइस सब लोग याद रखना यूरिन का कलर जो पीला है किसके कारण होता है गाइस तो याद रखेंगे सर ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा है ये होता है यूरोक्रोम के कारण किसके कारण यूरोक्रोम और याद करने का तरीका है गूगल क्रोम का लोगो देखा है तो गूगल क्रोम के लोगो में देखते हो पीला हरा नीला लाल नीला तो नहीं है लाल तो वहां से आप लिंक कर लो यूरोक्रोम गूगल क्रोम से कि यूरिन का कलर पीला होता है यूरोक्रोम के कारण डेट सेट सो गाइस डेट इज डन यहां पे आंसर था डेट वॉज प्रोटीन परफेक्ट सो दिस इज डन दिस इज डन आगे बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न क्या कहता है ओह oh. सर so, अगला प्रश्न तो न्यूमेरिकल आ गया चलो पानी पीने का टाइम मिल जाएगा मुझे इसका आंसर दो गाइस क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास टेन के जी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड सो वॉट विल बी दिनियर मोमेंटम एंड कैंडेट एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली आंसर प्लीज सो अच्छा और स्नेहा पिट्टू होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत अगर मम्मी पिट्टू नहीं करेंगी ना तो हम लोग फिर मैगी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे इसका आंसर तो फटाफट क्या होना चाहिए थैंक यू रोहित फॉर दी आइसक्रीम बीच बीच में ना आप लोग थम्सअप कोका कोला भेजते राह करो भाई एनर्जी मेंटेन रहती है अब सुनो सर एक ऑब्जेक्ट का मास है जो कि दे रखा है दस किलोग्राम ठीक है मास कितना दे रखा है टेन के जी अब सर यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड भी दे रखी है कि यहाँ पे सर जो वेलोसिटी है कितनी होगी यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है दस मीटर पर सेकेंड की ठीक है गाइस अब कह रहा है कि सर इसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी अरे सर ये तो बहुत ही हलुआ सवाल निकला इससे आसान सवाल क्या हो सकता है हम लोग अच्छे से जानते हैं मोमेंटम कैसे निकालते हैं मास इंटू वेलोसिटी तो कितना हो गया सर टेन इंटू टेन तो टेन इंटू टेन क्या हो गया के जी मीटर पर सेकेंड राइट सो right? so, यहां पे हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले पार्ट पे जा रहे थे तो यहां पे सर आपका जो आंसर होगा हंड्रेड 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 सो यहाँ पे यहाँ तो ये यह आंसर होगा या फिर ये होगा ये दोनों ऑप्शन तो गए तो अब सर क्या बचा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे हाफ एम वी स्क्वायर चलो सर टू फाइव या टेन कितना हो गया पाँच सौ सो so, यहाँ पे सर पाँच सौ जुल यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसमें बिना किसी देरी के लिए आगे आगे बढ़ेंगे थैंक यू ए के थैंक यू फॉर दिस गुलाबी दिल चलिए गुरुदेव आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है ये आयरन की कमी से क्या समस्या होती है <laughs> थैंक यू थैंक यू गाइज सो अब सर ये जो आयरन की कमी की हम लोग बात करते हैं इस आयरन की कमी पर भी आ जाते हैं अतुल बाबा क्या होगा आयरन की कमी से हमारी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है ब्लड आप कहेंगे सर इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है वैसे सो so, हमारी बॉडी में जो ब्लड है सर नॉर्मली आपका ब्लड दिखता है कुछ ऐसा जिसमें क्या है हमारी जो आर है रेड ब्लड सेल उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए ज़्यादा यहीं पे हम लोग हीमोग्लोबिन की भी बात करते हैं है ना लेकिन यहीं पे अगर एनीमिया होगा तो आप देख रहे हैं ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इन रेड ब्लड सेल्स की अगर काउंटिंग देखोगे तो इसमें आपको रेड ब्लड सेल की काउंटिंग कम दिख रही है यानी इसमें आर की कमी है अब आर की अगर कमी है या मैं कह दे रहा हूँ हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर मैं कह दूँ कि सर आयरन की कमी है पेपर में तीनों तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है तो क्या करेंगे फोलिक एसिड का टोनिक देंगे अरे वाह वसीम बाबा हमारे पूरे डॉक्टर हो चुके हैं बिल्कुल सही सो यहाँ पे सर आयरन की कमी से पूछ ले आरबीसी की कमी पूछ ले या हीमोग्लोबिन की कमी पूछ ले तीनों ही केस में आपका आंसर होगा डेट इज एनीमिया ये तो सॉर्टेड है मामला लेकिन सर ये बताओ ये स्कर्वी चाचा कब आएंगे तो स्कर्वी चाचा कब रोल प्ले करेंगे सो अभिषेक गोयल अगर मेरे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई तो विटामिन सी की कमी से क्या होने लगेगा मसूड़ों में से खून आने लगेगा राइट और जितने लोग सर ये संतरा नींबू नहीं खा रहे हैं तो पहले बता दूं कि संतरा नींबू खाना शुरू कर दो क्योंकि फिर क्या होगा अभी जैसी नौकरी लग जाएगी ना तो नौ नौकरी लगेगी तो क्या होगा है ना पैर में बूट होगा और तन पे सूट होगा वो सब तो ठीक है लेकिन उसके बाद जब शादी वाले रिश्ते वाले आएंगे और अगर मान लो स्कर्वी हो गया ये नींबू वीबू ये सब कम खाया तो पता है दांतों में से वही ब्लीडिंग होने लगेगी और जैसे मुस्कुरा के दिखाएंगे जैसे मान लो पहले तो मुंह कर बंद करके बैठे हैं तो यहाँ पे बढ़िया से आपकी इमेज बन जाएगी हाँ लड़का तो सुंदर है या फिर लड़की तो सुंदर है और इसके बाद क्या हुआ जैसे ही आपने करा हे 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 और जैसे आपने दांत दिखाए तो यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पर दांत सड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं वहीं की मेरी वही रिश्ते रिजेक्ट हो जाएगा तो मैं कह रहा हूं कि पहले से बच के रहो ये विटामिन की सारी चीज़ें खाते रहो ये मैगी वैगी पे डिपेंडेंसी कम कर दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खैर उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन समझाना जरूरी था तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी अगर आपको स्कर्वी से बचना है तो आप नींबू खाइए आंवला खाइए ये सब खाइए नेक्स्ट रेकेट्स किसके कारण होता है सर ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है और कॉलरा किसके कारण होता है तो याद रखिएगा ये होता है सर विब्रियो कॉलरे के कारण अब आप कहेंगे सर विब्रियो कॉलरे क्या ये पेपर में पूछा जाता है सो so, गुरुदेव ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर याद रखिएगा ये जो कॉलरा की हम लोग बात करें सर ये आपका 2023 एसएससी जेई में पूछा गया प्रश्न है कैसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन वॉज आस्ट विच मंगस फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज निम्नलिखित में से कौन सी आपकी वाटर बॉर्न डिसीज है और यहां पे होता क्या है दूषित जल ऐसा जल ऐसा पानी जिसके अंदर विब्रियो कॉलरे मौजूद है और ऐसा पानी अगर हम लोग पी लेंगे तो हम हैजा से ग्रस्त हो जाएंगे या फिर इंग्लिश में कहूंगा कॉलरा से हमें समस्या खड़ी होगी और ये कॉलरा या हैजा होता किसके कारण है अकर्स बिकॉज ऑफ विब्रियो हैलरे ये एक्चुअली वाटर बॉन्ड डिसीज है एस एस सी जी दो का प्रश्न था सो यस कंटेमिनेटेड वाटर से होता है तो ये वाली चीज भी क्लियर हुई सो so, यस yes, यहाँ पे ये चीज हमारी क्लियर है आगे बढ़ते हैं सो so, यहां तक तो हो गया यस इट इज अ वाटर डिसीज तो यहां पे मैंने क्या बोला आयरन कमी से एनीमिया अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर खुल जा जामसिम ये रहा सो so क्वेश्चन क्या कह रहा है यस yes. क्वेश्चन है सर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसिस एंड कैपेसिटेंस इज गिवेन बिलो सो द करेंट फॉलोइंग थ्रू दी सर्किट विल बी डैश अब सर देखो मैंने जान मुझे यहां पे थोड़ा सा अलग लेवल पे क्वेश्चन रखा हुआ है जैसे मैं देख कि कितने लोग हमारे यहाँ पे टैलेंटेड मौजूद हैं तो एक बार प्लीज फटाफट देखेंगे सर यहां पर मैं आपकी वैल्यूज देख दूंगी आपको नहीं रही होगी ये है ओम ये है पांच माइक्रोफेर इसके बाद यस हो यह आपका दस वोल्ट तो इसका मुझे आंसर चाहिए फटाफट फड़ से अविरल कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या हाउस फ्लाई बेटा हाउस फ्लाई के कारण जो होता है बेटा वो कौन सा पार्ट हो गया यहां पर याद रखिएगा देखो हाउस फ्लाई से अगर हम लोग कहें कि यहां पे से कॉलर हो रहा है देखो विभ्रिय कॉलर आपकी बॉडी में जाना चाहिए राइट अब वहां को कैसे हो सकता है तो वर्षा हमारी सबसे पहले डी के साथ गई है बहुत बढ़िया सो गौतम हमारी डी के साथ जा रहे हैं अर्पिता डी के साथ जा रहे हैं वसीम इंपॉर्टेंट है बेटा मैंने जान मुझे क्वेश्चन रखा हुआ है तो यहां पर मैं आपसे आंसर चाहूंगा कि बेटा प्लीज फटाफट से आंसर देना वसीम एक बार प्लीज ट्राई जरूर करना क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें एक लॉजिक लगेगा वर्षा नहीं वाला क्वेश्चन कर रखा है वैसे एग्जाम में है ना सो so, रोहित वसीम सब लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं फटाफट से इसका आंसर दो अविरल का आंसर आया 1.5 रिंकी जा रही है पॉइंट फाइव के साथ अब देखो नहीं वसीम देखो यहाँ पे लॉजिक था इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दिया अब आप लोगों के अलग अलग आंसर निशा डी के साथ थी अतुल डी के साथ थे हमारे पटेल साहब अविरल वन पॉइंट फाइव के साथ अब देखिए गाइस ये ध्यान पूर्वक सुनना थोड़ी देर के लिए बातचीत तभी रोक देना आप आपस की बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पै पाँच माइक्रो फेरेड में कुछ मैंशन किया है सो इट इज वॉट यहाँ पे जो चीज़ मौजूद है सर ये है कैपेसिटर ठीक है अब कैपेसिटर की खास बात याद रखना जब भी कैपेसिटर आपका बेटा डीसी सर्किट में अब यहां पर सर अगर मैं कहूंगी डीसी सर्किट में मौजूद है तो इस वाले केस में क्या होगा ये जो पार्ट है इट विल एक्चुअली एक्ट एज अ ओपन सर्किट ये क्या करेगा ये एक्चुअली ओपन सर्किट की तरह काम करेगा जो लोग 1.5 पॉइंट फाइव का आंसर दे रहे थे मेरे ख्याल से आप लिंक कर पाएंगे क्या करेगा ओपन सर्किट का काम करेगा स्नेहा राइट सो so, इलेक्ट्रिकल वालों कम से कम आप गलती मत करना अब सर यहां पे कैपेसिटर का क्वेश्चन है बिल्कुल तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आंसर दो अब ये जब ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो यहाँ पे सर इसमें से करंट फ्लो करना नहीं है तो अब क्या होगा इस नए सर्किट को मैं ज़रा बनाने की कोशिश करता हूँ यस डैट्स राइट सो इस वाले पार्ट पे ज़रा जाते हैं ऐसे ऐसे और इधर आपने लगा दिया ये करेंट ठीक है ये हो गया दस वोल्ट का ये दस ओम है और ये बेटा दस ओम है ठीक है अब यहाँ हम से हमसे क्या पूछा था हमसे पूछा था कि जो करंट फ्लो करेगा सर्किट से वो कितना होगा अब करंट कैसे निकालूं सर करंट निकालने के लिए काबरा यहाँ पे सिंपल सा फंडा है ये सर आपको सीरीज़ में दे रखा है तो यहाँ पे सर सीधे लगा दूंगा मैं कुछ ऐसा ये सर कितना हो गया बीस ओम का और ये गाइज हो गया मेरे पास दस वोल्ट ठीक है बेटू अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सिविल वाले भले ही है मोहित लेकिन बेटा ये साइंस वाले पार्ट में से फिजिक्स में से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है सो so, अब सर यहाँ पे बीस ओम इधर दस वोल्ट अब मुझे करंट निकालना है करंट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू आई आर ये तो बच्चों वाली बात हो गई अब बच्चों वाली बात हो गई तो आई बराबर क्या हो गया वी एपोन आर वोल्ट कितने दे रखा है सर यहाँ पे वोल्ट दे रखा है दस वोल्ट और रेजिस्टेंस मेरा बीस होगा तो दस बट्टा बीस यानी कि सर यह क्या हो गया एक बट्टे दो दैट मीन्स कि यहां पे जो करंट मिलेगा मुझे कितना मिलेगा पॉइंट फाइव एमपियर का सो so बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें हैं वी मस्ट रिमेंबर कि सर एग्जामिनेशन में जब ये आता है ना तो कई बार लॉजिकली हमको ना अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने के बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हैं तो क्वेश्चन कितना भी खतरनाक पूछ ले हमारा आंसर आ जाएगा सो so यहाँ पे जो आंसर है वो क्या था पॉइंट फाइव ओम सो यहाँ पे जो आंसर हो गया सॉरी पॉइंट फाइव एमपियर क्योंकि करंट पूछा था सो ये वाली चीज भी हमारी क्लियर हुई गाइज आगे बढ़ते हैं तो गुरुदेव ये भी हमारा डन है अगला प्रश्न यस क्वेश्चन है धोनी तरंग की जो पिच है उसकी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सॉरी ध्वनि तरंग की जो पिच है उसकी निम्नलिखित में से किस विशेषता पर निर्भर करती है ठीक है सो द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स तो स्पीड लाउडनेस एम्प्लीट्यूड या फ्रीक्वेंसी सो so, प्रतीकस yes, देखो साइंस वाले पार्ट से क्वेश्चन जो है वैसे ना एस की अगर बात करें तो एस एस जेई में आपका जो साइंस वाला पार्ट है ना उससे लेवल अब लास्ट ईयर का और इस वाले साल का अगर देखें तो थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है जब लेवल बढ़ चुका है तो हम लोग ना इसीलिए सभी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन हाँ एक चीज़ पता है कि पुराने ट्रेंड के हिसाब से अगर हम जाएँ तो न्यूमेरिकल्स हमको ना के बराबर ही मिले हैं राइट right? बट फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस लिए कर लेना इससे पार्ट क्लियर हो खैर यहाँ पे आते हैं अब यहाँ पे सर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर किस पर निर्भर करेगा तो स्नेहा डी के साथ है रिंकी डी के साथ मोहित डी के साथ अविरल डी के साथ ए के डी के साथ यस सो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड पहले तो मुझे पिच में समझ में नहीं आ रहा भाई साहब पिच होती क्या है इज पिच सो गाइस देखिए हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग ये दीपनी सर की आवाज़ है अब यहीं पे दीप दीपनी सर की जगह मान लो कोई दीप्ति मैम आती है अगर मान लो पढ़ाने हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग तो यहां पे दोनों आवाज में डिफरेंस सम, समझ में आ रहा है हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग दोनों में डिफरेंस है ये जो डिफरेंस मैं आपको अलग अलग आवाज़ जो सुना रहा हूं अभी इसमें किस में डिफरेंस बताएंगे किस क्वालिटी की बात करेंगे आप यहां पे बात करेंगे पिच की राइट सो बेसिकली वो आप यहां पर जब पिच की बात कर रहे हैं तो पिच वाले पार्ट में अब ये किस पर डिपेंडेंट कर रही तो है तो दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट नॉट ऑन दी स्पीड सर हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग तो यहां पे क्या स्पीड पे डिपेंडेंसी है नो no. अब लाउडनेस पे आ जाएं तो यहां पे क्या लाउडनेस से का मतलब हुआ सर यहां तो लड़कियों की आवाज की बात करें तो लड़कियों की आवाज ज्यादा पैनी होती है राइट दे हैव अ हायर पिच सो कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग तो यहां पे सर लाउडनेस से कोई मतलब नहीं होगी लाउडनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं यहां पे एम्पलीट्यूड से लिंक कर लेता हूं कि अगर कोई भी वेव है इस वाले पार्ट पे जाऊं तो यहां पे सर क्या है ये आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर लाउडनेस ये आपका एम्पलीट्यूड वाला पार्ट पे हुआ आगे बढ़ते हैं सेम चीज अब सर आगे बढ़ जाते हैं तो अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे सो so येस yes, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें आवृत्ति की तो पिच एक्चुअली डिपेंडेंट होती है ये आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होती है आई गेस इट इज क्लियर सो यहां तक भावना समझ में आई गुरुदेव तो यहां पे इट वाज इंपॉर्टेंट सो याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू दी करेक्ट आंसर सो फ्रीक्वेंसी ही वो पटल कैरेक्टर से हो गई पे पिच एक्चुअली डिपेंडेंट है तो यहां पे आंसर था डी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कुछा। क्या क्वेश्चन है भाई साहब डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज डैश तो किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं अब यह सवाल भी आएगा तो इसका आंसर दो सो so, <laughs> अरे मोहित बाबा एक है। चलो सर so, इसका आंसर क्या होगा पता फटाफट इज द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज डैश तो सर इज इट अमीटर सर देखो अमीटर एम्पियर को मेजर करने वाला मीटर अमीटर राइट तो सबसे पहले वही दिख रहा है मुझे तो अमीटर हमारा सही आंसर है इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं करना है सो so, गाइस यहाँ पे ए वाले बिल्कुल सही है तो इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो आगे बढ़ते हैं सीधे हम लोग अगला क्वेश्चन सो so, यहाँ पे सर अब न्यूमेरिकल करना पसंद करेंगे यहाँ पे छोड़ो और क्वेश्चन देख लेते हैं सर कहीं कहीं एम नो no. तो यहाँ पर देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ना जहाँ जहाँ हम फंस सकते हैं वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ले रहे हैं अब इस पर आओ सर क्वेश्चन है सब बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले बाल मानव शरीर में तरल पदार्थ पहुंचाते हैं जिससे जलन पैदा हो, करने वाला दर्द होता है यह तरल पदार्थ है क्या सो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव इंजेक्ट फ्लूड इन द्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन या फिर बर्निंग पेन दिस फ्लूड इज डैश पता है क्वेश्चन वही है बहुत आसान है बट हम लोग यहां पर हां वो होमवर्क क्वेश्चन में रख देंगे ठीक है यहां पे जरा हो इसका आंसर दो मेरे मुझे फटाफट सो द स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नीटल लीव्स

सो so यहां पर ये यह जो मीथेनोक एसिड है डेट इज द करेक्ट आंसर और यहां पे चाहे फॉर्मिक एसिड दे, दे दे पेपर में चाहे दे दे देट इज वन एंड द सेम थिंग वुड बी द करेक्ट आंसर चलो तो अब सर यहां पर जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूं सब लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना पीछे जो न्यूमेरिकल था सो ये न्यूमेरिकल आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन के रूप में दे जा रहा हूं ठीक है सो क्वेश्चन है अ मेटल वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी हैज अ रेजिस्टेंस आर व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर Uh, यहां पे वायर हुज लेंथ लेंथ इज डैश बट हैविंग द डबल द डायमीटर तो यहां पे सर अच्छा इस वाले पार्ट करना जो क्वेश्चन है वो अधूरा है तो इस वाले क्वेश्चन को नहीं होमवर्क क्वेश्चन इसका नहीं होमवर्क क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन लेके ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए वो एक्चुअली अधूरा क्वेश्चन था पूरा क्वेश्चन था ही नहीं वो सो क्वेश्चन इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड When people suffer from indigestion of food, so it is a dash. तो जब लोग खाना ना पचने की समस्या से पीड़ित होते हैं तो milk of magnesia का जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या चीज़ है So यहां पर सब please आंसर देना इसका आंसर क्या होना चाहिए तो comment section में सबका इंतजार करूंगा please comment section में इसका आंसर देना और एक और important चीज़ आप लोगों के लिए खास news है कल जितने भी electrical engineers हैं तो electrical engineers के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उनके लिए कुछ important gift है सो so, और वो गिफ्ट पाने के लिए आपको कल जुड़ना है छह पैंतालीस पे, पे तो आपको करना है क्या है आप जाएंगे इंजीनियर अड्डा पर आ, एक सेकंड देख लेते हैं यहां पे अपनी क्लास का चल रही है ना चलो सो गाइज यहां पर देखो हम लोग यहाँ पे सौ लोग मौजूद हैं लेकिन लाइक केवल सिक्सटी नाइन है चलो फटाफट से, से लाइक करो सेशन को अब यहीं पर सर अच्छा इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर ना आपको टेलीग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे राइट सो so, टेलीग्राम के लिंक्स हैं आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं अभी मैं आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा तो अपनी क्लास वाली पीडीएफ प्लीज़ अपने पास सेव करके रखो पेपर में बहुत काम आएगी रिवीजन के अच्छा मैं कल आ, आपको बता रहा था तो कल आप लोगों के लिए कुछ खास है तो आपको जाना इंजीनियर अड्डा पर इंजीनियर अड्डा पर जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे लाइव सेक्शन में और लाइव सेक्शन में जाने के बाद ना यहाँ पर आपके लिए कुछ बड़ा सा अनाउंसमेंट है सो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर देना है और कल 11 अप्रैल को छः पैंतालीस पर जुड़े नहीं भूलना है जहाँ पे आप लोगों को कुछ बढ़िया सा गिफ्ट दिया जाने वाला है ठीक है तो मैं आप लोगों के लिए इंतज़ार करूंगा कल यहाँ पर जहाँ पे हमारी पूरी टीम मौजूद होगी और कल आपको सर इस चीज़ का रिवील करेंगे और हाँ जितने लोगों ने एस एस का बैच नहीं लिया है अगर वो बैच लेना चाहते हैं तो आपको जाना है अड्डा ट्वेंटी की वेबसाइट पर इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ऑल कोर्सेज में ऑल कोर्सेज में जाने के बाद मैं जाऊंगा ए जी एग्जामिनेशन जिसमें मैं अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लूंगा जो भी मेरी ब्रांच है मान लो मैकेनिकल तो मैकेनिकल एस एस जेई और एस एस में जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना बैच ले सकता हूँ बट बैच जब मैं लूंगा तो एस एस का बैच ना बाईस समथिंग का है कोड लगा के थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा बट अभी के लिए नवरात्रि और ईद वाला ऑफर है तो ये बाईस की जगह आप लोग क्या करेंगे आप लोग लेंगे महापैक महापैक का फायदा ये है कि इसमें एस एस का बैच तो आ ही जाएगा अभी सर आर आरबी का ही बैच आएगा अगले दो साल के लिए डबल वेराइटी मिल रही है दो साल के लिए आपके जितने भी इंजीनियरिंग के बैचेज आते हैं वो सबके सब आपको यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ना एट सिक्स एट नाइन या आपके दो हज़ार रुपये से भी कम हो जाएगा अगर आप कोड लगाते हैं वाई सेवन टू थ्री जैसे आप कोड लगाएंगे वाई सेवन टू थ्री अठारह सौ रुपये में आप ले सकते हैं महापैक तो मैं सभी से सजेस्ट करूंगा मेरा पर्सनल सजेशन है कि एस एस सी जी का बैच लोगे तो वो पड़ेगा आपको दो हज़ार समथिंग का कूपन कोड लगा के यहाँ पे कोड लगाने के बाद आपको ये डबल वैलिडिटी मिल रही है दो साल के लिए और जितने भी आपके बैचेज होंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सारे बैचेज मिल जाएंगे तो नवरात्रि और ईद वाला ऑफर है सो यू कैन अवेल इट सो ये 1824 में यू आर गोइंग टू गेट दी डबल वेलेटिंग चलो सर तो फिर सफिशिएंट है अब मैं आप लोगों के लिए ये सब पीडीएफ भेजूंगा कल मिलते हैं फिर सेम क्लास में सेम टाइमिंग पर तो जुड़ना मत भूलेगा कल दोपहर दो बजे जहां पर आपकी शुरुआत होगी इस होमवर्क क्वेश्चन के साथ चलो फिर अच्छे से ख्याल रखो मिलते हैं आप लोगों से कल सो बाय एवरी वन टेक केयर जय हिंद एंड यस लव यू ऑल प्लीज़ टेक केयर